नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। भारत सिनेमा को प्रेम करने वाला देश है। आज़ादी के पहले से ही दादा साहब फाल्के ने सिनेमा से भारतीयों का परिचय करा दिया था और आज भारत विश्व में सर्वाधिक फिल्मों का निर्माण करने वाला देश बन गया है। भारत में सिनेमा से जुड़े बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश में सिनेमा का सबसे बड़ा और सम्मानित पुरस्कार है और भारत में सिनेमा के माध्यम से विचारों की अलख जगाने वाले दादा साहब फाल्के के नाम पर देश का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के दिया जाता है और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये पुरस्कार दिए गए। हम बता सकते हैं कि इस 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित रहे। समारोह में आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार RRR को दिया गया। वहीं निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को राष्ट्रीय एकता पर फिल्म कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वर्ष की गैर फीचर फिल्म की श्रेणी में सृष्टि लखेड़ा की एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं मराठी फिल्म गोदावरी के लिए निखिल महाजन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म इरविन निजाल के गीत मायावा छायावा के लिए श्रेया घोषाल को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के पुरस्कार से भी नवाजा गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के आलोक में हम आज बात करेंगे विस्तार लेते भारतीय सिनेमा की और बात करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं अनंत विजय, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म समीक्षक। अनंत जी, आपका स्वागत है। धर्म गुलाटी जी सिनेमेटोग्राफर और निर्देशक हैं। हम बता दें कि 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के जूरी चेयरमैन साउथ, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में चेयरमैन साउथ और 2022 में इंडिया एंट्री के लिए ऑस्कर जूरी का भी हिस्सा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनंत जी, शुरुआत करते हैं भारतीय फिल्म के संदर्भ में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं हर तीसरे महीने फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाता है, लेकिन आरंभ काल से ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का एक अपना ही जो है आलोक है, उसका सम्मान है। कितना महत्व रखते हैं भारतीय सिनेमा के संदर्भ में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार? प्रतिबंब जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार फिल्म में माना जाता है और इसकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है। किसी भी फिल्मकार से बात करिए और उनसे अगर आप परिचय कराइए कि ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हैं या अभिनेता हैं या सिनेमेटोग्राफर हैं या साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही आदर का भाव देखने को मिलता है। और ये मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूँ कि जब हम 4-5 लोगों के बीच फिल्म वालों के होते हैं तो बहुत ऐसे ही साधारण सी बात होती है, लेकिन जैसे ही ये बताया जाता है कि इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, उनकी एक थोड़ी सी नजर बदल जाती है। ये मैंने बहुत दिनों से, मतलब 4-5 वर्षों में जब से मुझे मिला तब से मैंने महसूस किया और धर्म गुलाटी जी भी इस बात को मानेंगे। तो मैं इस बात के लिए बहुत, क्योंकि इसके लिए जो जूरी के सदस्य हैं और जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, इन दोनों का जो एक सामूहिक प्रयास है इस पुरस्कार को इस उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए, ये बहुत अभिनंदन योग्य है। और इस पुरस्कार की महत्ता अचानक से बहुत बढ़ जाती है तब जब कोविड काल में आप देखिए कि पूरी दुनिया अपनी जान की फिक्र कर रही थी, लोगों को लग रहा था कि जीवन का क्या होगा। ऐसे कठिन समय में भी सिनेमा के हमारे साथियों ने न कैमरा छोड़ा, न कहानी लिखनी छोड़ी, न ही फिल्म निर्माण करना छोड़ा, और भारत सरकार ने उनके उस योगदान को रेखांकित करते हुए ये अभी जो फिल्म पुरस्कारों की चर्चा जिसके संदर्भ में हम प्रतिबिंब जी कर रहे हैं, ये 2021 का पुरस्कार है। पुरस्कार कोरोना महामारी की वजह से
थोड़ा विलंब से चल रहा है जी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया गया कि उसको देना बंद किया जाए या उसको एक साल का गैप ईयर ले लिया जाए, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और इस पुरस्कार की महत्ता इस बात से भी समझी जाती है कि इसमें न सिर्फ संविधान की 22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं उसके अलावा भी जो जिन भाषाओं की फिल्में बनती है, जो छोटी छोटी भाषाएं जो लुप्त होती जा रही है, उन भाषाओं की फिल्मों को भी पीछे पुरस्कृत किया गया। और 2021 के जो पुरस्कार दिए गए उसकी सूची पर भी आप नजर डालेंगे तो ऐसी ऐसी भाषाओं की फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। और तो और पिछले पांच छह वर्षों से हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर की फिल्मों को थोड़ी ज्यादा, पूर्वोत्तर की फिल्मों ने ज्यादा जगह बनाई है, जो जिसको आप बॉलीवुड या मेनलैंड फिल्म कहते हैं। तो आज सही कहा, तो आज मैं ये कह सकने की स्थिति में हूँ कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का महत्व सर्वाधिक है। और मुझे लगता है कि भारत में भले ही हर दूसरे तीसरे दिन पुरस्कार फिल्मों को लेकर दिए जाते रहे, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार की जो महत्ता है, जो इसका महत्व है, वो असंदिग्ध है। जी धर्म गुलाटी जी, आप 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के ज्यूरी चेयरमैन साउथ, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के चेयरमैन साउथ रहे। आप बहुत नज़दीक से जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को, और जब भी हिंदी फिल्मों का जिक्र आता है तो उसको एक नया टर्म दे दिया गया है, बॉलीवुड। लेकिन क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार परिचायक है भारतीय सिनेमा का? बिल्कुल, 100%। अनंत जी ने कहा कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल होता है जी, और ऐसा स्ट्रगल है वो जो पहला काम मिलना ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ये मैं कितने डायरेक्टर बता सकता हूँ जिन्होंने ऐसे ही छोटी सी फिल्म से शुरुआत की है, जो एक पहली फिल्म मिली है उनको और उस फिल्म को अवार्ड मिल गया, नेशनल अवार्ड मिल गया, उसके बाद उनका कैरियर आगे कैसे बढ़ा। बहुत सारे किस्से हैं ऐसे, जैसे अनंत जी ने कहा कि जैसे कितनी भाषाएं, छोटी छोटी भाषाएं हैं जिनमें बन रही है, वैसे ही भाषाओं को भी कितना प्रमोशन मिल रहा है। और उस भाषाओं में, उस प्रदेश में, एक छोटी सी जगह से अगर किसी फिल्म को अवार्ड मिलता है तो उसमें एक की जगह 10 और डायरेक्टर खड़े हो जाते हैं, 10 प्रोड्यूसर खड़े हो जाते हैं। उनको मोटिवेशन मिलता है कि भैया इनका कुछ प्रमोशन हुआ है तो शायद हमारी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आएगा। तो बहुत बड़ा महत्व है। बाकी जो दूसरे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में अवार्ड्स हैं, वो डिफरेंट लेवल के हैं। वहां पे आप देखिएगा मोस्टली जो फिल्में वो बड़े स्केल की होती हैं उन्हीं में ही उन्हीं को ही अवार्ड दिया जाता है। एक राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ऐसा है जहां पे छोटी से छोटी फिल्म भी, मैंने एक फिल्म की थी सर, वो सिर्फ 35 लाख रुपए में बनी थी, उसमें भी वो बच्चा जो हमारा था उसको नेशनल अवार्ड मिला। उस डायरेक्टर को बाद में संजय लीला भंसाली ने डायरेक्टर बना के अपनी एक और फिल्म दे दी उसको। तो ये महत्व है एक्चुअली, बहुत 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 इससे इंपॉर्टेंट है। आप किसी से भी बात कीजिएगा, मैं जानता हूं हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट से जो लड़के निकलते हैं, कई बार उनकी डिप्लोमा फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो उनको बाहर आके उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। गुलाटी जी, जो दूसरे अपने कैरियर को आगे बढ़ाना जी, दूसरे जो पुरस्कार हैं फिल्मों से जुड़े हुए, विशेष रूप से भारत में, उसमें पुरस्कृत फिल्मों का जो आधार रखा जाता है, वो रखा जाता है वो बॉक्स ऑफिस पर कितनी हिट रही हैं। अगर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात की जाए, चूंकि आप बहुत नज़दीक से जानते हैं, आप जुड़े रहे हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से, तो वहाँ पर क्या पैमाना, क्या मापदंड रखा जाता है फिल्मों के चयन का और उनको पुरस्कृत करने का? वहाँ सिर्फ मेरिट होती है, ओनली मेरिट। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जब मैं 62nd नेशनल अवार्ड ज्यूरी पे था, मैं चेयरमैन था साउथ वन का, मेरे पास थी मलयालम और तमिल फिल्में, ठीक है। तो हमारे क्या होता है, जितनी भी फिल्में हमारे पास आती हैं, अपने मिनिस्ट्री के रूल्स हैं कि उसमें से सर्टन परसेंटेज आपको सेंट्रल ज्यूरी में आगे फिल्में भेजनी है जी। तो हम क्या करते हैं, अपनी मेरिट के हिसाब से पहली लिस्ट बनती है, उसमें नौ, आप फिर आप देखते हैं कि उसमें कितने फिल्में इकट्ठी हो गई हैं, फिर पता लगता है नहीं जी ये तो हमारी लिमिट से ज्यादा होगी तो कुछ फिल्में आपको निकालनी पड़ेगी। तो उसमें फिर हम कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे हम, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हम, मेरे उस टाइम पे दो फिल्में थी, हमको कुछ फिल्में कम करनी थी, तो दो फिल्में थी जो बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए हम आगे भेज रहे थे सेंट्रल ज्यूरी में, एक मलयालम फिल्म थी एक तमिल फिल्म थी। फिर वो पैनल में डिस्कशन हुआ कि भैया इन दोनों में से क्या लगता है कि किसको चांस ज्यादा है, तो आपस में हमारा डिसीजन ये हुआ कि नहीं, ये जो मलयालम फिल्म है इसको चांस ज्यादा है मिलने का,
तो उसको आगे भेज दिया जाए, हमने आगे भेज दिया। जब हम सेंट्रल ज्यूरी में गए तो वहां पे हम तमिलनाडु से एक हमारे सेंट्रल ज्यूरी में दूसरे आए हुए थे, जो आए थे हमारे एज ए पैनल बन के। अच्छा, उनको पता लगा कि यार ये तो फिल्म आपके पैनल में थी, ये ऐसी इसमें कैसे नहीं आई, इसने तो 100 करोड़ का बिजनेस किया है। तो मैंने उनको कहा सर अब ऑफ हैंड, क्योंकि मैंने 90 फिल्में देखी, अब ऑफ हैंड नाम भी अब तमिल वाला मेरे को उतना याद नहीं है, आई हैव माई नोट्स, मैं अपने नोट से रेफर करूंगा, मैं कल आपके आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं हुआ। मैं गया, मैंने अपने नोट्स रेफर किए, मैं वापस आया उनके पास, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये फिल्म हमारी फर्स्ट लिस्ट में थी, लेकिन क्योंकि हमको फिल्में इतनी ही भेजनी थी आगे, तो हमको किसी को निकालना पड़ा, सो वो फिल्म वहां चली गई, क्योंकि हमको लगा कि दूसरी फिल्म का चांस ज्यादा है। थोड़े से नाराज हुए हमसे, क्योंकि वो तमिल से थे तो उनका थोड़ा सा वो लगा। बट आप देखिए कमाल की चीज, लास्ट फिल्म उस अवार्ड शो की वही फिल्म थी जो मैंने बताई उनको, ये मलयालम फिल्म गई है। वो फिल्म देखने के बाद में उठ के मेरे पास आए, वो मेरे से सॉरी कहा उन्होंने और कहा यू आर राइट, बोले नाउ आई वांट टू मेक दिस फिल्म इन तमिल। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे वहां कोई 100 करोड़ की बिजनेस हो या इतना का हो तो वो कोई महत्व नहीं रखता है जी। हमारे लिए मैरिट, अगर फिल्म में दम है, फिल्म अपील करती है, फिल्म आपको टच करती है, उसमें टेक्निकली सब कुछ अच्छा है, तो वो फिल्म आगे जाएगी। बाकी किस्मत उसकी आगे होती है, फिर आगे 11 लोग बैठते हैं, वो अपना डिसाइड करते हैं। वहां पे अगर कंपटीशन में किसी दूसरे जोन से अच्छी फिल्म आई है तो उसको भी मिल सकता है, बट वहाँ हर चीज मैरिट पे होती है, वहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि बिना मैरिट के कोई फिल्म आगे चली जाए। जी अनंत जी, यहाँ पर मैरिट की बात चल रही है, कुछ वर्षों पहले तक की बात ये है कि जिसे हम पैरेलल सिनेमा यानी कि समानांतर सिनेमा कहा करते थे या कला फिल्में कहा करते थे, उन्हीं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलते हुए देखा करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे मेन स्ट्रीम जो है सिनेमा की फिल्में भी जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। तो क्या जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसमें गंभीरता आ गई है और वो विषय आधारित या विषय परक सिनेमा के तौर पर अब ट्रांसफॉर्म हो गया है, इसलिए अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो अर्जित करने लगा है, क्या ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है हमारे सिनेमा की बात करें तो? मुझे लगता है कि जिस तरह देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ उसी तरह सिनेमा पुरस्कारों का भी लोकतंत्र थोड़ा दायरा उसका बढ़ा है जी। अब आप ये अभी 69 फिल्म अवार्ड में ही देखिए तो अभी तेलुगु के अल्लाह अर्जुन को जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार तेलुगु में पहली बार किसी अभिनेता को मिला है। तो आप अगर इसको सोचेंगे और इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब जो पहले कहा जाता था मेन स्ट्रीम फिल्म और रीजनल फिल्म, अब रीजनल फिल्म कोई नहीं रही, अब वो बाउंड्रीज खत्म हो गई प्रतिबिंब जी। और मुझे लगता है कि अब जितनी भी फिल्में बन रही है वो सब भारतीय फिल्में बन रही है और उसको भारतीय फिल्मों के नजर से ही देखा जा रहा है। और जहां तक आप बात कला फिल्मों, समांतर फिल्मों और इन सब का जो एक ही नाम था, एक ही बुके, जो NFDC वाली फिल्में बना करती थी जिनको किसी प्रकार के मतलब रिकवरी ऑफ फंड की चिंता नहीं होती थी, उनको किसी और का पैसा भारत सरकार का होता था और उनको फिल्में बनानी होती थी, तो ऐसी फिल्मों को लेकर के एक ऐसा वातावरण बना दिया गया था फिल्मी दुनिया में कि ये फिल्में पता नहीं क्या बहुत अच्छी होती हैं, चाहे आप उसको 10 मिनट ना देख पाए। तो लेकिन क्या होता है कि जब वातावरण बनाने वाले लोग पैदा होते हैं ना, तो वो अपनी चीजों को लेकर एक मतलब एक कोई छोटी सी चीज और उसको इतना शोर मचा दें इकोसिस्टम के लोग, तो वो फिल्मों में भी था इकोसिस्टम। लेकिन मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जो भारत की कहानियां ऊपर हुई, जब भारत की कहानियों ने अपना दबदबा फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ाया और जब दायरा बढ़ा कहानियों का, तो छोटे जगहों की कहानियां जब फिल्म इंडस्ट्री में आने लगी तो दबाव निर्णायकों पर भी बढ़ा, और निर्णायकों पर जब कहानियों का दबाव बढ़ा और स्टोरी टेलर्स का दबाव बढ़ा, कहानी कहने के अंदाज पर दबाव बढ़ा। ऐसा नहीं है कि लोकप्रिय फिल्में यहां नहीं दी जाती, यहां भी एक कैटेगरी लोकप्रिय फिल्मों की है जो 69 में आपने देखा होगा कि RRR को लोकप्रिय फिल्मों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सम्मान दिया गया। बावजूद इसके धर्म गुलाटी जी बहुत सीनियर हैं, FTII का इनका बहुत लंबा अनुभव है और इन्होंने बहुत लंबा वक्फा देखा है हिंदी फिल्मों का मुंबई में रहते हुए, इनको मालूम होगा कि किस प्रकार की फिल्में बनाई जाती है और किस प्रकार से हवा बनाई जाती थी। तो मुझे लगता है कि वो जो हवा बनाने वाला तंत्र था वो उसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने बहुत मजबूती से झेला
और उसके सामने खड़ी रही। मैं दो बार मैं भी चेयरमैन रह चुका हूँ राइटिंग जूरी का। मैं आपको बताऊं भारत सरकार की तरफ से एक छोटा सा इशारा भी नहीं आता कि किसको पुरस्कार देना हो। पहले जब मैं पहली बार 2017 में नॉमिनेट हुआ तो मुझे लगा कि सरकार ही जो कहती होगी वही करना होता होगा। और मेरे मतलब टू माई सरप्राइज भारत सरकार के किसी अधिकारी या डीएफएफ, तब डीएफएफ हुआ करता था, अब एनएफडीसी है, किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं मिला, न मंत्री के पास से न किसी छोटे से संतरी के पास से। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की महत्वपूर्ण होने का और इसके मतलब जस्ट होने का एक कारण ये भी है कि भारत सरकार की तरफ से कोई दखल नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि अब जिस प्रकार से कहानियों का दायरा विस्तृत हुआ है और जो जिसको रीजनल फिल्मों कहकर, रीजनल फिल्में कहकर हम थोड़े देर के लिए दरकिनार कर देते थे, वो फिल्में अब मेनलैंड फिल्मों से न सिर्फ टक्कर ले रही हैं बल्कि कई बार उनसे ऊपर भी जा रही हैं। तो अब ये हालात पैदा हो गए कि अब पूरे अभी बॉलीवुड के आने वाले आपको लोग कम मिलेंगे और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद लोग भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कहना शुरू कर देंगे। जी जी, धर्म गुलाटी जी, क्या मेन स्ट्रीम सिनेमा की फिल्में अब राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जित कर रही हैं, जीत रही हैं, उसका श्रेय ऑर्गेनाइजर्स को, सरकार को जाता है, या फिर भारतीय सिनेमा जो है वो कंटेंट को लेकर खासा गंभीर हो गया है, मजबूत हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी दूसरी फिल्मों को अब चैलेंज करने लगा है, इसलिए भारतीय सिनेमा मेकर्स को इसका सीधे तौर पर श्रेय जाता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये अभी देखिए आप, पहले क्या एक जमाना था जब ये बड़े स्टार सिस्टम में जो लोग चलते थे, वो जो ऑफबीट फिल्में आप कह रहे थे वो कभी उसमें जाते ही नहीं थे। अगर वो ऑफबीट फिल्मर या डायरेक्टर उनको अप्रोच भी करता था तो उससे टाइम ही नहीं मिलता था। वो टाइम बदल गया है। अभी आप देखिए रॉकेटरी को ही देख लीजिए, इससे सब्जेक्ट आप देखिए कैसा है उनका और किस लेवल पे बनाया वो है। बना हुआ बिल्कुल कमर्शियल लेवल पे फिल्म है लेकिन सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। और अभी क्या हो गया कि अभी सब्जेक्ट बिल्कुल, ये बड़े बड़े स्टार भी वैसे वाले सब्जेक्ट करने लगे हैं। आप देखिए अक्षय कुमार ने कितनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं जो बिल्कुल ऑफबीट टाइप है। नहीं तो पहले कभी आपने सोचा था कोई कमर्शियल स्टार ऐसी फिल्में कर लेगा? नहीं, अभी लोग कर रहे हैं तो उसका फायदा यही हो रहा है। एक तो जो अनंत जी ने बताया कि पुराना इकोसिस्टम था और वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो इकोसिस्टम ऐसा मतलब वहां पे एक ऐसा पॉलिटिकल वहां चलता था जहां पे वही उनका कंट्रोल होता था। अब नए हमारे जैसे एफटीआई के कुछ लोग आगे अगर वो एनएफडीसी में जाके कुछ अपना करना चाहते थे तो नहीं मिलता था क्योंकि वो इकोसिस्टम ही उनको कंट्रोल करता था। वो इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका है अभी। और वो अभी वो जो एक थिन लाइन थी बिटवीन द ऑफ बीट फिल्म बनाना और ये कमर्शियल वाली फिल्में बनाना, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। और ये रीजनल वाला चक्कर भी, जैसे अनंत जी ने कहा है कि अभी सब हिंदुस्तानी सिनेमा है, कोई रीजनल सिनेमा नहीं है अभी। आज मैं लास्ट ऑस्कर की ज्यूरी में था तो वहां बिल्कुल ऐसी ही बात हुई। जो साउथ के लोग थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी साउथ ही साउथ इंडस्ट्री है हमारा ऐसा, ना, वहां इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही थी, ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म जा रही है वहां से। तो ये फर्क है, वो एक टाइम अलग था, अभी टाइम अलग है। अभी आप देखिए ओटीटी पे भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट आ रहे हैं तो लोग, एंड ऑडियंस बदल गया है, ऑडियंस भी ऐसी फिल्में अभी देखना चाह रहा है। जी, पहले थिएटर में कहां जाते थे लोग, ये ऑफबीट फिल्मों को थिएटर नहीं मिलता था। अनंत जी ने कहा ना फिल्में रिलीज नहीं होती थी, उनका आउटकम वही होता था कि चलो एक आधा अवार्ड मिल गया वो फिर टीवी पे दिखा दी जाती थी, टीवी पे लोग देख लेते थे, नहीं तो बहुत सारी फिल्में जो रिलीज ही नहीं हुई हैं। क्या क्या इसका अनंत जी क्या इसका श्रेय आज के दर्शक को भी जाता है कि वो रियलिस्टिक सिनेमा को पसंद कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि ऑफबीट फिल्म है, मेन स्ट्रीम फिल्म है या फिर कमर्शियल सिनेमा है, वो देख रहा है कि इसमें कितनी गुणवत्ता है, कितना कंटेंट है और कितना रियलिस्टिक है? क्या हाथों हाथ ले रहा है रियल सिनेमा को? इसका श्रेय कहीं ना कहीं हम लोगों को और दर्शकों को भी जाना चाहिए। दर्शकों को पूरा श्रेय जाना चाहिए क्योंकि फिल्म को हिट या फ्लॉप कराने में सबसे बड़ी भूमिका दर्शकों की ही होती है। और दर्शक एक तरह की फिल्मों को देखकर उब चुके थे और जिस प्रकार से यथार्थ के दाम पर सीधे सीधे जिंदगी दिखा दी जा रही थी उससे भी लोग उबने लगे थे।
तो आप राइट मिक्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रियलिटी, ये अगर फिल्म की कहानी के साथ आप लेकर आएंगे, आपके कहानी कहने का अंदाज कितना अच्छा है या आप कहानी को किस प्रकार से आगे लेके चलते हैं, ये क्राफ्ट आपका कितना अच्छा है, इस पर दर्शकों को आप कितनी देर तक बांध सकते हैं। अब आप देखिए आर 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 की ही मैं बात करता हूं, उसमें उसमें कितने शटल तरीके से एक पॉलिटिकल मैसेज डायरेक्टर ने दिया है। राम और भीम, भीम के कंधे पर चढ़ के राम, और जब राम संकट में होता है तो भीम उसके पीछे से खड़ा होता है उसको सपोर्ट करने के लिए, इसमें एक पॉलिटिकल मैसेज है। लेकिन उस पॉलिटिकल मैसेज को देने के लिए उन्होंने उसको इतना इंटरटेनिंग बना दिया राजा बॉली सर ने, कि मुझे लगता है कि इस तरह का जो हुनर, आप सिर्फ मैसेज ही देना चाहेंगे तो मैसेज नहीं दे सकते हैं, और दर्शकों को पसंद करवाने का हुनर निर्देशकों को होना चाहिए। बॉलीवुड की या हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, धर्म सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, कि आज वहां निर्देशक को पहले हम लोग दिग्दर्शक कहा करते थे, हिंदी में अगर आपको याद हो तो दिग्दर्शक लिखा होता था, और दिग्दर्शक का मतलब होता है चारों तरफ जिसकी दृष्टि होती थी, और दिग्दर्शक निर्देशक बन गया। निर्देशक मतलब सिर्फ दिशा देता, एक दिशा देता, निर्देशित करता है वो। तो जो निर्देशक का या डायरेक्टर की अथॉरिटी जो कम हुई है ना, अब कॉल शीट उसके हाथ में दे दिया जाता है। अब मैं तो याद करता हूं बंदिनी फिल्म में विवरण राय को एक शूट करना था कि नूतन किस प्रकार से छुई मुई के पौधे के पास खड़ी है और उसका चेहरा और छुई मुई दोनों एक साथ कुमलाता है, उसको दिखाने के लिए 2.5 दिन तक कैमरा लगा के विमल राय साहब खड़े रहे थे। आज संभव ही नहीं है, आज तो कैमरा पर्सन को निर्देश है कि इसको आधे घंटे में शॉट को खत्म कर लो। तो इन तमाम चुनौतियों के बीच, कॉल सीट के दबाव के बीच, जो निर्देशक और दिग्दर्शक का फर्म खत्म हुआ है, इसके बीच जो अच्छी कहानी कह ले जाने का हुनर जिसके अंदर होता है, जैसे OMG 2 आया, ओ माई गॉड 2 आया, उसके निर्देशक अमित राय ने इतनी खूबसूरती से कहानी कह दी है, सेक्स एजुकेशन की कहानी को इतने खूबसूरत तरीके से वो अंजाम तक ले गया, और कोर्ट रूम के बहस में उन्होंने सारी बातें अपनी कह दी, लेकिन उसका अंदाज इतना अच्छा था, पंकज त्रिपाठी का अभिनय इतना अच्छा था कि उसको देखते हुए दर्शक को कभी महसूस नहीं हुआ कि ये कोर्ट रूम ड्रामा है, उसको लगा कि वो उसी पल को, उसी साथ को, उसी कहानी को जीते हुए आगे चल रहा है। तो ये सारे विषय कहने का हुनर जो निर्देशकों का था, वो मुझे लगता है कि दर्शक, अब के जो निर्देशक हैं, वो दर्शकों के मूड को बदलते हुए मिजाज को बहुत अच्छा भाप गए हैं, और उन दर्शकों से थोड़ा अलग हैं जो कहा करते थे फिल्म इज नथिंग बट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। ये तीन चीजों से अब फिल्मी इंडस्ट्री या फिल्मी दुनिया बहुत आगे चली गई है, अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, उनको एंटरटेनमेंट प्लस भी चाहिए होता। जी धर्म गुलाटी जी, आप 2022 में इंडिया एंट्री के लिए ऑस्कर जूरी का भी हिस्सा रहे, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कारों को, तो क्या अंतर नज़र आता है और क्या आने वाले समय में हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का भी रूप दे लेते हुए देख सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो उसके लिए क्या कुछ अमूलचूल बदलाव इन पुरस्कारों में या पुरस्कार जो है कार्यक्रम में किए जाने पड़ेंगे? बिल्कुल आप कर सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए क्या होता है, नेशनल अवार्ड में तो जो जूरी का सिस्टम है थोड़ा अलग है जी, वहां पहले जोनल फिल्मों के, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिल्में आती है, उसमें बहुत फिल्में आती है, क्योंकि हमारे 5 जोन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के 2 जोन है, उसके बाद में फिर वो सेंट्रल जोन में, सेंट्रल जूरी में जाती है, तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। ऑस्कर जूरी में वो सिस्टम नहीं है, ऑस्कर जूरी में ऑल ओवर इंडिया से 20 से 21 लोग इकट्ठे होते हैं, और उसमें जितनी एंट्रीज आती हैं वो गिनी चुनी एंट्रीज होती है। आप यूँ समझ लीजिए कभी 25 हैं, कभी 30 हैं, 35 फिल्में इतनी आती हैं उसमें, क्योंकि उनका कुछ चार्जेस हैं, कुछ लोग नहीं भेज पाते हैं फिल्में, तो उतनी फिल्में आती हैं, उतनी फिल्मों को देख सकते हैं आप। मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे भी फिर हमेशा हर साल कभी ना कोई कंट्रोवर्सी हो ही जाती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उधर से रीजनल होता है, किसी को कुछ होता है, आप पता नहीं लगता है, वो चल जाता है वहाँ पे। लेकिन नेशनल अवार्ड फिल्में, मैं समझता हूँ जो फिल्में सेंट्रल जूरी में जाती हैं, उन्हीं फिल्मों में से ही अगर चाहें तो किसी ना किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जा सकता है, उसके लिए अलग से आप एक जूरी बना सकते हैं,
उसमें से उनको एक शॉर्ट लिस्ट करके प्री जूरी में आप निकाल दीजिए, उसमें से जो फिल्में बचती हैं उनमें से आप किसी को भेज सकते, ये हो सकता है। अगर सरकार कुछ ऐसा करना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो क्या है, ये ऑस्कर जो है अभी एक प्राइवेट फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइज करता है, उनका एफिलिएशन है एकेडमी से, तो वो इसलिए वो उनके पास ही जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन स्पीक टू द एकेडमी इन अमेरिका और उनके साथ कुछ इनका एफिलिएशन हो जाए तो ये प्रोसेस चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जी समय समाप्त हो रहा है आनंद जी। प्रतिबिंब जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को बहुत गंभीरता से इसको बदलने पर भी विचार करना चाहिए। फिल्म फेडरेशन को भारत सरकार पैसे भी देती है और हर बार कोई ना कोई विवाद भी होता है। ऐसा बेहतर ये होता कि अगर हम जो नेशनल अवार्ड में बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट फीचर फिल्म ये सब आती है, इनको अगर हम पुरस्कार के लिए नामित कर सकते और बदलाव कर पाते प्रक्रिया में, तो ये एक अच्छा कदम होता। और जिस प्रकार से अनुराग सिंह ठाकुर फिल्मों को लेकर बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस रिफॉर्म हमें देखने को मिल सकते हैं। जी जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहूंगा आनंद जी। आपने कहा कि अब थोड़ा सा गंभीरता आ गई है और जो है बदलाव देखने को मिल रहा है, जितनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विस्तार हो रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं ना कहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी जो है परिलक्षित हो रही है, और हमने पद्म पुरस्कारों में भी देखा कि ग्राउस रूट के जो कि दूर दराज में काम करने वाले, सेवा भाव से कार्य करने वाले लोगों को अब जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। अब ऐसा ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी हो रहा है, लेकिन सिनेमा को मजबूत बनाने के लिए जो सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाए हैं वो कितने महत्वपूर्ण है, एक छोटी सी टिप्पणी। सिनेमा को मजबूत बनाने के लिए जो सबसे पहला मैं कहूंगा, चलचित्र अधिनियम 2023 जो संशोधित अधिनियम आया, सिनेमाटोग्राफी एक्ट में जो बदलाव किया गया है, और जिस प्रकार से पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए या जिस प्रकार से सेंसर सर्टिफिकेट को हर 10 साल में न देके जीवन पर्यंत देने की योजनाएं की गई हैं, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे सुधार किए गए हैं। इसके अलावा जो फिल्मों से जुड़ी हुई तमाम संस्थाएं थी उनको एकीकृत करके एनएफडीसी के अंदर लाया गया है, हालांकि उसमें थोड़ा और काम करना शेष है, लेकिन ये सब चीजें जो बुनियादी सिनेमा की नीतियों को लेकर बदलाव भारत सरकार ने किया है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अब भी इस दिशा में बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से अनुराग ठाकुर जैसा ऊर्जा वन युवा मंत्री सिनेमा को देख रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके अंदर सिनेमा को लेकर, मेरी 2-3 बार उनसे बात हुई, उनके अंदर सिनेमा को लोकप्रिय और दर्शकों तक ले जाने की, वो इस बात से बहुत चिंतित रहते हैं कि दर्शक सिनेमा हॉल तक क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने उनके मन में कुछ योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये योजना सिनेमा उद्योग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूं कि अगर खेल और सिनेमा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सिनेमा की लोकप्रियता और खेल की लोकप्रियता दोनों बढ़ जाएगी। इस दिशा में अगर भारत सरकार काम करती है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और काम कितना कठिन है ये आप समझिए, कितने सारे सिनेमा के छोटे छोटे केंद्र थे, सबको एनएफडीसी में एकीकृत करना, और उन फिल्म डिवीजन अलग काम करता था, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन अलग काम करता, पब्लिकेशन डिवीजन में कुछ अलग काम होता था, इन पब्लिकेशन डिवीजन तो खैर अभी भी अलग है, लेकिन सिनेमा के सबको जोड़कर एक जगह जी। अब आप देखिए एक क्या MIFFF एक होता है, अगर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए या नॉन फीचर फिल्म के लिए अवार्ड देना है तो एक भारत सरकार देती है और हर 2 साल में भारत सरकार फिर अवार्ड देती है, तो इन सबको रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। और आपने जिस ऊर्जा की बात कही है आनंद जी, वो ऊर्जा खेलों में भी नजर आई है और एशियन गेम्स में हमने 100 से ज्यादा पदक जीते हैं, और यही ऊर्जा अब भारतीय सिनेमा के विकास और इसे मजबूत बनाने के लिए भी लगातार लग रही है, वो परिलक्षित हो रही है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के माध्यम से। आप दोनों जुड़े और बहुत सारी बारीक जानकारियां हमें उपलब्ध करवाई, हमें प्रकाशित किया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। राष्ट्रीय पुरस्कारों से जुड़े हुए इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी, नमस्कार।